दोस्तों फोटोग्राफ्स और वीडियो देखना हम सबको पसंद है और आजकल की डिजिटल जिंदगी में फोटोग्राफ्स और वीडियो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस का काम करती है। लेकिन जब भी हम लोग फोटोग्राफ्स या वीडियो को देखते हैं मेन फैक्टर उसमें रहता है लाइट। एक अच्छी लाइट जैसे वीडियो को बना सकती है वैसे ही एक बुरी लाइट वीडियो को बिगाड़ भी सकती है। और जब भी मैं लाइटिंग की बात करता हूँ तो डेफिनेटली सन तो है हमारा नेचुरल रिसोर्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर्स आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ करते हैं। और जब भी मैं लाइट आर्टिफिशियल लाइट का बात करता हूँ तो गोडॉक्स एक ऐसी कंपनी है जो इस कैटेगरी में डेफिनेटली अव्वल नंबर पे ही आती है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ गोडॉक्स का ही नया LED P260C जो कि है अभी जिसमें यस आप सबको लग रहा है कि लाइट काफ़ी बड़ी है, बट एक्चुअली ये है नहीं, ये पैकेजिंग थोड़ा सा बड़ा है, अमेजोन से आया आज ही आया है। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है, बट पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये है वो पैकेज जो अमेजोन से आज ही आया हुआ है, गोडॉक्स की LED P260C। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर है क्या। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता रहा था कि बक्सा ही इतना बड़ा दिया है, एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट में निकल के बक्सा थोड़ा हटा लेता हूँ। ये है दोस्तों एक्चुअल साइज जो कि इस टेबल के बराबर ही है। तो देखते हैं इसके अंदर है क्या। इसके साथ इसकी वारंटी कार्ड भी आई हुई है। आई एम नॉट टू श्योर इसकी वारंटी कितने साल की है क्योंकि सारे ही तो चाइनीज में ही लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये है प्रोडक्ट। पीछे यहाँ पे आप देखेंगे एक पैनल लगा हुआ है जहाँ से आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके साथ एक छोटा सा बक्सा भी आया हुआ है, लेट्स सी इसके अंदर क्या है। ये इसका एक होल्डर आया हुआ है जो मेरे ख्याल से यहाँ लग जाएगा, बिल्कुल ये क्लैंप की तरह फिक्स भी हो गया, वेरी गुड। और ये इसके साथ केबल आया हुआ है जो लग रही है काफ़ी बड़ी है, और एक रिमोट भी आया हुआ है। इसके साथ बैटरी इनबिल्ड है नहीं, बैटरी आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप आउटडोर कहीं पे यूज़ करते हो जहाँ पे आपका कोई पावर सोर्स है नहीं तो डेफिनेटली बैटरी के साथ आप यूज़ कर सकते हो। इसको ऑन करते हैं, देखते हैं कि कैसा है इसका लाइट। दोस्तों ये है जो फाइनल प्रोडक्ट गोडॉक्स की LED P260C। इसका वजन कुछ 1 किलोग्राम के आसपास होगा और साइज तो खैर आप देख रहे हैं, ये एक जो छोटे बच्चे की जो बचपन में लोग स्लेट यूज़ करते थे चौक से लिखते थे उस साइज का है। स्पेसिफिकेशन बताया जाता है कि इसका जो पीछे जो लाइट पैनल है उसमें टोटल 128 छोटे छोटे LED बल्ब लगे हुए हैं, और ऊपर जो पैनल आपको दिख रहा है ये पैनल टोटली डिफ्यूज्ड शीट से बनाया हुआ है, तो अलग से आपको डिफ्यूज रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, इस लाइट से ही आपको डिफ्यूज्ड लाइट आराम से मिल जाएंगी। पीछे एक पैनल लगा हुआ है
जो कि आप इसको मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसका इस रिमोट का यूज आप जरूर करें, क्योंकि ये रिमोट बहुत कन्वीनियंट है। जैसे कि बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग जब वीडियो करने बैठते हैं और लाइट सेटअप करते हैं तो हमें लाइट पसंद आता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उठ के फिर लाइट को दूसरे सेटअप करते हैं। तो अभी आपको इस रिमोट और इस प्रोडक्ट के चलते उठने की कोई जरूरत है नहीं, आप बैठो और रिमोट से अपने आप इसको स्टार्ट ऑन करो, ऑफ करो, इसका लक्स घटाओ बढ़ाओ कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी ऑन है, तो ये मैंने कर दिया इसको ऑन, इतना आसान है। और बाकी मैं आपको दिखा दूँ कैसे ये रिमोट इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। दोस्तों इसको मैंने अभी सेट कर दिया है और इस रिमोट के सहारे मैं इसको भी ऑन और ऑफ करूंगा। लेकिन पहले इसको ऑफ करते हैं, हो गया ये ऑफ, फिर से ऑन करते हैं, हो गया ये ऑन। 50% पे है इसका अभी लक्स। मिनिमम जो हम लोग इसको इसका इंटेंसिटी घटा सकते हैं लाइट का, तो वही बैठे बैठे आराम से ये हो जाता है। फिर से मैं इसका इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, ये हो गया 100%। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू गोडॉक्स की एलईडी P260C मॉडल का। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा। जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ, जैसे कि ये पर्टिकुलर लाइट, जो कैमरा मैं यूज़ करता हूँ, मेरा सेकेंडरी कैमरा, जो मेरा माइक है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ। इनकेस आपको कुछ पसंद हो या कुछ लेना हो मेरे रिव्यू देख के, तो डेफिनेटली आप वहाँ से अमेजोन का लिंक दे के उसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।